हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो फ्रेंड बहुत अच्छे। तो गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मामा जी का कॉल आया था कि उनका गाड़ी ख़राब हो गया है, तो उसी के लिए मैं बुलाए हैं थोड़ा हेल्प के लिए। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो ब्लॉग में रहें कंटिन्यू, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, ब्लॉग में रहें कंटिन्यू। तो गाइस, घर में बाइक नहीं होने के कारण मैं ऑटो से जाना देख सकता हूँ। ऑटो में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, और ऊपर से मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ अभी तुरंत ही। जब तक मैं पहुंचा, देख सकते हैं यहाँ पर इंजन को खोला जा रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट स्टार्टिंग नहीं हो रहा था, ये कुछ छोटा प्रॉब्लम था, इसलिए इंजन को खोला जा रहा है। देखा जाएगा इसको, मोटर को क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अंकल जो काम कर रही रहे, बहुत देर से काम कर रहे हैं। अभी मेरे आते हुए कम से कम लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं, और अभी मैं वेट करता हूँ और देखते कब तक बनेगा। तो गाइस, अभी लगभग 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए, देखते हुए गर्मी में, और उधर है कार बन रहा है, मिस्त्री बना रहा है, और उसका सेल्फ और क्या बोलते थे उसका एक और सामान पार्ट्स का नाम जानते वो ख़राब हो गया था, उसे बनवाने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी हम लोग बैठे हैं, देखते हैं अभी बोला गया है सेल्फ बनवाने के लिए गया है, कुछ दिन में आएगा, तो देखते हैं सेल्फ कब तक बनेगा। लगभग अभी और भी बोला जा रहा है 2 घंटा, लगभग मतलब 5 घंटा लग रहा है गाड़ी बनाने में। गाइस, तो गाड़ी कार बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहली बार जाना मैंने कि कार बनाने में लगभग कुछ भी बनाने के लिए तो 5 घंटा कम से कम लगेगा, और कुछ ख़राब हो गया तो 2-3 दिन और भी रखना पड़ेगा। देखते हैं लगता है अभी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कार्बोरेटर की सफाई कर रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता इस पार्ट्स का नाम, बट इसी में कुछ प्रॉब्लम था, इसे साफ सुथरा करके अब दोबारा इसी तरह लगा देंगे। लेकिन इसमें टोटल खर्च बहुत ज़्यादा आ गया, लगभग 9,000 का खर्च आ चुका है कार बनाने में। अभी पता चला कि 9,000 खर्च हो जाता है एक बार में ही। सो गाइस, फाइनली हम लोग का कार स्टार्ट हो चुका है, बन के रेडी हो चुका, जा रहे हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेंगे। पेट्रोल नहीं, बड़ी डीजल गाड़ी है, डीजल लेंगे, पेट्रोल दिमाग में चला, क्योंकि हम लोग पेट्रोल ही जाकर लेते हैं, डीजल तो हम लोग पहली बार जा रहे हैं लेने, फिर डीजल इसमें लेते हैं, डीजल कम हो चुका है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर डीजल देने शुरू हो चुका है, उधर चल रहा है मीटर स्पीड से। सो गाइस, देख सकते हैं टायर में हवा कम हो गया, तो इसलिए टायर में भी हवा भरा जा रहा है। देख सकते हैं सभी टायरों में हवा कम हो गया था, ये हवा चेक हो रहा है, क्या पॉइंट है, सही है लग रहा है देखने से, हवा मीटर ख़राब है लग रहा है ऐसा हवा बता रहा है, मीटर लग रहा है ख़राब है, अरे 10 पॉइंट बता रहा है यार। तो देख सकते हैं यहाँ पर लग रहा है मोबिल भी ख़त्म हो गया, कुछ देर बाद लग रहा है मोबिल भी जलाएगा इसमें, पता नहीं, लग तो रहा है मोबिल है शायद, लेकिन ख़राब हो गया है, दोबारा से चेक होगा, लेकिन साफ करके चेक होगा, डाल के जाएगा अंदर, चेक करने वाला जगह है ये। ये गया, हिंगले आ रहा है, कभी सुखले आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, जल नहीं गया लगता दिखने से, जलेगा कोई दिक्कत नहीं, यही पूरा जल गया, 1 लीटर डाल देंगे, अरे जल गया पूरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिब्बा खुल रहा है, ढक्कन, अरे वैसे टूट जाएगा, हाँ इससे पकड़िए, वीडियो बना के बता रहे हैं, अरे खुलिए नहीं, अरे हाथ लगाइए दिए, कहानी डेड कर दी है पूरा, ये हाथ से खुलता है। तो देख सकते हैं गाइस, ये नया लफड़ा हो चुका है, ढक्कन भी टूट गया, अब दूसरा दुकान ले जाना पड़ेगा, गैरेज वहाँ जाके खोलना पड़ेगा, खोल देगा तो चला, ये धूपम भी खड़ा रहा ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर खोलने की कोशिश। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, देख सकते हैं ये हमारा घर का छत्ता है, अभी फिलहाल अभी हम छत्ते पर, और देख सकते हैं प्यारा और नेचुरल ब्यूटी है, जैसे हरा हरा पीछे पहाड़, और मज़ा आ रहा है गाइस। तो आज का ब्लॉग जो है ना, पूरा स्ट्रगल भरा रहा, दिन का पूरा स्ट्रगल भरा रहा, पूरा दिन भर एकदम लोग वहाँ गाड़ी बनवाने में पूरा व्यस्त रहे, और दिन को मैं खाया भी नहीं था दोपहर को, और बहुत ही मज़ा आया, फाइनली बन चुका, लेकिन लास्ट में एक और नुकसान हो गया था, जानते थे और क्या होते हैं, इंजन का जो ढक्कन तो वो टूट गया, वो फिलहाल मिला नहीं, तो ऐसे ही भी फिर मामा जी घर चला के चल गए। तो वैसे आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी जय हिंद, वंदे मातरम।